नगीना में बीएसपी प्रत्याशी से भिड़े आजाद के समर्थक। बीएसपी प्रत्याशी को जबरन एएसपी का पटका पहनाने की कोशिश। नोकझोंक का वीडियो हो गया वायरल। ये तस्वीरें यूपी की नगीना लोकसभा सीट से आई हैं। वही नगीना जहां कल पहले चरण में वोट डाले जाएंगे, वही नगीना जहां से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले चंद्रशेखर आजाद और नगीना से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल के बीच में झड़प का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में आजाद के समर्थक बसपा उम्मीदवार सुरेंद्र पाल को जबरदस्ती अपनी पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी काशीराम का नीला पटका पहनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब बसपा प्रत्याशी ने उन्हें रोका तो वो जबरन पटका उनके मुंह पर फेंक कर चले गए। ये वीडियो नगीना के धामपुर इलाके का बताया जा रहा है। एक तरफ बसपा के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह अपना रोड शो कर रहे थे तो दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी भी अपनी रैली निकाल रही थी। इसी दौरान एक मोड़ पर दोनों का आमना सामना हो गया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान बसपा प्रत्याशी को चिढ़ाते हुए आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें उकसाना शुरू कर दिया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बसपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल को जबरन आजाद समाज पार्टी का पटका पहनाने की कोशिश की गई। जब उन्होंने मना किया तो पटका उनके मुंह पर फेंक दिया गया। आपको बता दें कि नगीना सीट पर पहले चरण में ही मतदान किया जाएगा, लेकिन पहले चरण का प्रचार खत्म होने से पहले चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने जिस तरह से बसपा प्रत्याशी के साथ बदतमीजी की है उसकी निंदा हो रही है। लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा होता है और हर कोई जीतने के लिए ही चुनाव लड़ता है। ऐसे में विरोधियों को चुनाव में वोट के जरिए हराया जाता है, ना कि इस तरह की हरकतों से। पिछले दिनों बसपा के उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने नगीना में सुरेंद्र पाल के समर्थन में रैली की थी और चंद्रशेखर आजाद पर जमकर निशाना साधा था। मैं दिल से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी आपसे बोलूंगा कि काम ले इस बारी। दिल से आदमी भावुक होके बोलता है, भावुक होके एक्शन लेता है। कभी लगता है कि यार मेरे समाज के, मेरे परिवार के, मेरे दोस्त यार के यहाँ घटना हुई तो मैं भी उसके साथ जाके खड़ा हो जाऊं, मैं भी आंदोलन करूं, मैं भी पुलिस से झगड़ू, मैं भी एसपी और डीएम से लड़ू कि उसको न्याय मिलना चाहिए। साथियों, ये भी तरीका होता है, बट ये कभी बीएसपी का तरीका नहीं रहा। कभी भी बीएसपी के लोग सड़क पे उतर कर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे। हमारे लोगों ने हमेशा सूझबूझ और दिमाग से काम लिया। बहन जी ने हमेशा समझाया कि साथियों, सड़क पे उतर कर झगड़ा कर कर आपको आपके लोगों के लिए न्याय नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज के लोगों के बारे में और अपने समाज को जागरूक करके वोट डाल के अपने लोगों को तख्ता में बिठा कर उन लोगों के लिए न्याय मिलेगा। साथियों, पिछले कुछ सालों से आप लोगों के बीच में इन विरोधी पार्टियों ने किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे। अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं, पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूं और आपको बोलता हूं कि आपसे विनती करता हूं कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। साथियों, ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है, ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ,
वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है, और इस कारवा में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गर्म खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपनी पार्टी को मजबूत करके, उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा। साथियों, ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता न्याय। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है, पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई, अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आए, आइए आप सर। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है और यही प्रत्याशी उसको वो मुंह तोड़ जवाब देने। अब नगीना में कल वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले इस वीडियो के वायरल होने के बाद मतदाताओं के दिल में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपका इस हरकत पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।